तो फाइनली दोस्तों राम सेतु जो कि अक्षय कुमार की फिल्म है, इसको टोटल हो चुके हैं 3 दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ किए गए। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार 3 दिनों में फिल्म का कलेक्शन कितना हो चुका है और आज फिल्म का कलेक्शन कितना हो सकता है। सारी की सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिल्म के बजट की, तो तकरीबन 60 से 70 करोड़ के बजट में राम सेतु फिल्म को बनाया गया है। बात करें दोस्तों इस फिल्म में एक्टर्स की, तो अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर सबसे लीड किरदार में है, जैकलिन फर्नांडिस हैं फिल्म के अंदर, नुसरत बारूचा है, साथ ही साथ सत्यदेव और नसर अहम किरदार में हैं। बात करें दोस्तों डायरेक्टर की, तो अभिषेक शर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और लाइका प्रोडक्शन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। दोस्तों बात करें इस फिल्म के पहले दिन के ओपनिंग की, तो आपको बता दें कि फिल्म ने पहले दिन यानी कि डे वन को अच्छा खासा ओपनिंग लेके हिंदी, तमिल, तेलुगू लैंग्वेजेस को मिलाकर 15 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं अगर बात करें फिल्म के कल के कलेक्शन की यानी कि डे टू के कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि कल फिल्म का कलेक्शन हिंदी, तेलुगू, तमिल मिला के था 11 करोड़ 40 लाख का। यानी कि दोस्तों सीधे सीधे 25% की गिरावट कल फिल्म को में देखने को मिली थी, यानी कि 25% कम फिल्म ने कमाया था। बात करें दोस्तों आज के कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि पहले मॉर्निंग शोज़ की ऑक्यूपेंसी 8% थी, आफ्टरनून शोज़ की 12%, इवनिंग शोज़ की 13% और नाइट शोज़ की 14%। इस हिसाब से दोस्तों आज ये फिल्म आराम से 8 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। वहीं फिल्म का ऑल ओवर टोटल कलेक्शन आज का मिला के हो जाएगा 34 करोड़ 65 लाख रुपये। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म कहीं ना कहीं अपना जो बजट है उसको निकाल लेगी और फिल्म हिट साबित हो जाएगी। अब आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में कमेंट में लिख के बताएं। सब्सक्राइब करें टॉप अप एंड फैक्ट्स को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसी मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।